बड़े ही सौभाग्य का दिन है आज कि जिस सपने को लेकर अंतर सिंह दादा इस सेंधवा विधानसभा में चले थे कि मां नर्मदा का जल सेंधवा विधानसभा में आए, और आज का ये ऐतिहासिक दिन आदरणीय अंतर सिंह दादा के अथक प्रयासों से सेंधवा में मां नर्मदा के जल की स्वीकृति आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज दे दी है हमको, और बहुत ही जल्दी सेंधवा विधानसभा में मां नर्मदा का पानी पहुंचने वाला है। साथियों, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई कहे, सेंधवा शहर में रहने वाले सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 1400 करोड़ से अधिक रुपए की स्वीकृति और 40,000 से अधिक हेक्टेयर जमीन के अंदर किसानों को यह पानी जाने वाला है। हमारे चारों ओर पंजाब के जैसा माहौल बनने वाला है। आज हम लोग बात करते हैं तो निवाली विधानसभा के लिए भी इस कार्य की स्वीकृति मिल गई है। निवाली क्षेत्र के आसपास निवाली पार्टी और बड़वानी के जो कुछ ग्राम छूटे हैं उनको भी इसके अंदर लिया गया है। यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस निवाली परियोजना के लिए है। इसी के साथ में कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं तो बड़वानी जिले के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मां नर्मदा के पानी को सेंधवा विधानसभा में लाने और निवाली क्षेत्र के अंतर्गत लाने के अंदर मिली है। इस योजना की स्वीकृति और ऐतिहासिक दिन पर आज प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के वित्त मंत्री हमारे जगदीश देवड़ा जी, जल संसाधन के मंत्री हमारे तुलसी सिलावट जी, हमारी मुख्य सचिव महोदय जी, अपर सचिव महोदय जी, और हमारे एनवीडीए में जो अधिकारी कर्मचारीगण इस काम के लिए लगे हुए थे, क्योंकि ये ऐतिहासिक आज योजना की स्वीकृति मिली है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी सौगात और सेंधवा जो कि आने वाले समय में पंजाब जैसा हरा भरा बनने वाला है, इसके लिए क्षेत्रवासी और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और खास करके इस योजना के लिए जो हमारे क्षेत्र के अंतर सिंह दादा जो लगे हुए थे उनके ही अथक प्रयासों से इस योजना को स्वीकृति मिली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंतर सिंह दादा को भी देना चाहता हूं।